वेलकम टू कारलैंड। आज हम रिव्यू कर रहे हैं स्कोडा कैरोक का। स्कोडा कैरोक इंडिया में लॉन्च हो चुकी है और इसकी प्राइसिंग है ₹25 लाख एक्स शोरूम इंडिया, और ये सिर्फ स्टाइल वेरिएंट में ही अवेलेबल है। इस कैरोक में दिया है BS6 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन विद 150 bhp और 250 Nm टॉर्क, मेटेड टू अ 7-स्पीड DSG ऑटो गियर बॉक्स। स्टार्ट में ये सिर्फ CBO इम्पोर्ट होगी और डिमांड के अकॉर्डिंग ये बाद में इंडिया में असेंबल हो सकती है। फिलहाल इंडिया में सिर्फ ये पेट्रोल में ही अवेलेबल होगी और शायद बाद में BS6 1.6 लीटर डीजल इंजन के साथ भी लॉन्च हो सकती है विद 113 bhp और 250 Nm टॉर्क, मेटेड टू अ 7-स्पीड DSG गेयरबॉक्स। कैरोक का सीधा कंपटीशन होगा जीप कंपस, हुंडई टूसॉन और वोक्सवैगन टी-रॉक से। स्कोडा कैरोक बेस्ड है वोक्सवैगन ग्रुप के MQB A0 प्लेटफॉर्म पर। चलिए कैरोक के एक्सटीरियर्स देखते हैं। आगे की तरफ आपको मिलते हैं ऑटो LED हेडलाइट्स विद एडेप्टिव फ्रंट लाइटिंग सिस्टम एंड LED DRLs। नीचे है LED फॉग लैम्प्स। बम्पर पर नीचे है लार्ज एयर वेंट्स विद हनीकॉम मेश और पार्किंग सेंसर्स। सेंटर में है स्कोडा का टिपिकल बटरफ्लाई ग्रिल विद ब्लैक 3D वर्टिकल स्लैट्स एंड सराउंडेड बाय क्रोम। उसके ऊपर है स्कोडा लोगो। फ्रंट से कैरोक को एक टफ अपराइट स्टांस और सोफिस्टिकेटेड लुक दिया गया है। कैरोक में ये 17 इंच के एरोनिया ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ऊपर दिए हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल मिरर्स विद LED इंडिकेटर्स एंड हीटिंग फंक्शन। विंडो के साइड में क्रोम दिया गया है। लोअर बॉडी पर ब्लैक क्लैडिंग दिया गया है फॉर टफर लुक। रूफ पर है ब्रश्ड मेटालिक रूफ रेल्स और पैनोरामिक सनरूफ विद बाउंस बैक फंक्शन। पीछे दिए हैं शार्प एंगुलर सी शेप्ड LED टेल लैंप्स। सेंटर में है स्कोडा बैजिंग। बोर्ड पर लेफ्ट में है कैरोक का नेम बैज। बम्पर्स पर नीचे है रिफ्लेक्टर्स, पार्किंग सेंसर्स और ब्लैक क्लैडिंग। बोर्ड पर शार्प लाइंस और एंगुलर टेल लैंप्स काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देते हैं कैरोक को पीछे से। चलिए बूट स्पेस देखते हैं। कैरोक में आपको 521 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है जो काफ़ी अच्छा है। बूट शेप स्क्वायरिश है तो बैग्स आराम से फिट हो जाएंगे। साइड्स में हुक्स और रेयर सीट फोल्ड करने का लैच दिया है। राइट साइड में वाइट LED लाइट है और एडजस्टेबल हुक है। रेयर सीट को फोल्ड करके आप 1600 लीटर्स का बूट स्पेस पा सकते हैं। यहाँ फ्लोरबोर्ड के नीचे दिया है स्पेस सेवर टायर। ऊपर दिया है पार्सल शेल्फ ट्रे। इस प्राइस पॉइंट पर भी इसमें इलेक्ट्रिक बूट क्लोज नहीं दिया गया है, बूट को मैनुअली क्लोज करना पड़ता है। यहाँ पर दिया है रेयर पार्किंग कैमरा। रेयर ग्लास पे दिया है रेयर वाइपर विद वॉशर, रेयर डिफॉगर और हाई माउंटेड ब्रेक लैंप। रूफ पर दिया है शार्क फिन एंटीना। चलिए इंटीरियर्स देखते हैं। कैरोक में आपको ब्लैक एंड बीच का इंटीरियर कॉम्बिनेशन मिलता है। डोर्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं, काफ़ी सिंपल लुक दिया गया है। डोर में 2 1 लीटर की बॉटल का स्टोरेज स्पेस दिया गया है। यहाँ ऊपर सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है। क्रोम डोर हैंडल्स दिए हैं। डोर पर शाइनी प्लास्टिक ट्रिम दिया गया है, उसमें है ग्रीन एम्बिएंट लाइटिंग। नीचे है इलेक्ट्रिक मिरर और पावर विंडो स्विचेस। हैंडरेस्ट पर भी सॉफ्ट लेदर पैडिंग दिया है। डोर्स के नीचे स्कोडा वेलकम लाइट्स दी गई है। डोर सील पर है कैरोक का एल्यूमिनियम स्कफ प्लेट। कैरोक में आपको 12 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलती है विद 3 memory ऑप्शंस। ये है कैरोक की प्रीमियम लेदर सीट्स और ये है कैरोक के इंटीरियर्स। चलिए बैठकर देखते हैं। कैरोक में आपको 10.25 इंच का वर्चुअल कॉकपिट मिलता है। इसमें आप रेंज, एवरेज, आउटसाइड टेम्परेचर, नेविगेशन, व्हीकल स्टेटस, TPMS, फ़ोन, मीडिया वगैरह देख सकते हैं। साथ ही इसके लुक को आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। और VW ग्रुप का वर्चुअल कॉकपिट वन ऑफ द बेस्ट है कार इंडस्ट्री में। राइट में है लार्ज AC वेंट्स सराउंडेड बाय क्रोम। साइड में है सैटिन सिल्वर ट्रिम। नीचे है हेडलाइट कंट्रोलर नॉब। कैरोक में क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। एल्यूमिनियम पेडल्स दिए गए हैं फॉर स्पोर्टी लुक। स्टेरिंग के पीछे लेफ्ट में है लाइट कंट्रोल्स। स्टेरिंग को टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट दिया है। कीलेस पुश बटन स्टार्ट का स्विच यहाँ राइट में दिया है। स्टेरिंग के पीछे राइट में है वाइपर कंट्रोल्स। पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं आपको कैरोक में। स्टेरिंग पर राइट में है वर्चुअल कॉकपिट के कंट्रोल बटन्स। लेफ्ट में है वॉइस असिस्टेंट, कॉल और मीडिया कंट्रोल्स। और यह है कैरोक का स्पोर्टी लेदर रैप स्टेरिंग व्हील विद पियानो ब्लैक इंसर्ट्स। सेंटर में है 2 AC वेंट्स सराउंडेड बाय क्रोम एंड पियानो ब्लैक फिनिश। कैरोक में ये 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB, ब्लूटूथ, SD कार्ड, नेविगेशन और वॉइस असिस्टेंट।
ग्राफिक्स शार्प है, टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है और कोई लैग भी नहीं है। इसमें आप अपनी ड्राइविंग के अकॉर्डिंग ग्रीन स्कोर भी देख सकते हैं, मतलब आप कितना इकोनॉमिकली ड्राइव कर रहे हैं। व्हीकल स्टेटस जैसे TPMS, सर्विस एंड एरर्स भी इस पर देखे जा सकते हैं। यहाँ डैशबोर्ड पर ऊपर स्टोरेज स्पेस दिया गया है, स्पेस डिसेंट है इसकी। कैरॉक में आपको ड्यूल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशनिंग सिस्टम मिलता है विद एयर केयर टेक्नोलॉजी। उसके नीचे है पार्किंग सेंसर, डोर लॉक और ऑटो इंजन ऑफ व्हेन आइडल का बटन। यहाँ स्लाइडेबल ट्रे के नीचे है 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट, USB पोर्ट और सॉफ्ट रबराइज्ड पैड फोन रखने के लिए। यह है कैरॉक का 7-स्पीड DHG लेदर रैप्ड गेयरबॉक्स, जो वन ऑफ द बेस्ट एंड फास्टेस्ट शिफ्टिंग गेयरबॉक्सेस में से एक है। उसके पीछे है ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड फंक्शन बटन। यहाँ पीछे दिया है लेदर आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट के नीचे भी काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस दिया है और इसमें है ये एडजस्टेबल ट्रे। इस ट्रे को आप रिमूव भी कर सकते हैं अगर आपको बड़ा सामान कुछ डालना हो तो। ऊपर दिया है ऑटो डिमिंग डे नाइट मिरर, उसके पीछे है सनरूफ और रीडिंग लैंप के स्विचेस। माइक भी दिया गया है फॉर वॉइस असिस्टेंट एंड कॉलिंग। वाइट LEDs दी गई है, इन एरो बटन से आप सनरूफ कवर को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। और यह है कैरॉक का लार्ज पैनोरामिक सनरूफ। कैरॉक में आपको डिसेंट साइज्ड ग्लव बॉक्स मिलता है विद कूलिंग फीचर एंड लाइट। इसमें दो HD कार्ड स्लॉट्स भी दिए गए हैं। यहाँ यह सैटिन सिल्वर फिनिश हाइलाइटिंग फीचर है इसके इंटीरियर्स में। इंटीरियर क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है, सभी जगह पर सॉफ्ट टच मटेरियल्स का यूज़ किया गया है, कहीं भी आपको लो क्वालिटी हार्ड प्लास्टिक नहीं मिलेगा। कैरॉक के इंटीरियर्स लुक्स और क्वालिटी वाइज काफ़ी प्रीमियम और सोफिस्टिकेटेड है। चलिए आप पीछे देखते हैं। तो ये है कैरॉक के रेयर डोर्स, काफ़ी सिंपल लुकिंग है। पीछे भी डोर्स पर आपको ग्रे शाइनी ट्रिम मिलता है। यहाँ ऊपर हाई क्वालिटी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। नीचे है क्रोम डोर हैंडल और पावर विंडो स्विच। रेयर डोर्स में आपको 1.5 लीटर की बॉटल का स्टोरेज स्पेस मिलता है। यह है कैरॉक की रेड सीट्स। डोर सील पर है एलुमिनियम स्कफ प्लेट। चलिए बैठ कर देखते हैं। लेग स्पेस अच्छा मिलता है कैरॉक में, मेरी हाइट 5'11" है और फ्रंट सीट भी मेरे अकॉर्डिंग ही एडजस्टेड है। फ्रंट सीट्स के पीछे ये स्टोरेज पॉकेट दिया गया है। अंडर साइज सपोर्ट डिसेंट मिलता है आपको कैरॉक में। साइड में ऊपर दिया है वाइट LED रीडिंग लैंप, उसके पीछे है रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल और कोट हुक। सनरूफ एरिया यहाँ पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है। पीछे दिए हैं दो एयर वेंट्स सराउंडेड बाय क्रोम, उसके नीचे है थोड़ा स्टोरेज स्पेस। पीछे सिर्फ आपको 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट मिलता है, USB चार्जिंग पॉइंट भी दिया होता तो थोड़ा कन्वीनियंट होता। रेयर सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया गया है विद 2 big and 1 small कप होल्डर। पीछे 3 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं। सीट्स का रिक्लाइन एंगल काफ़ी अच्छा है, सीट्स की कुशनिंग भी अच्छी है और सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है कैरॉक की। पीछे भी मटेरियल्स क्वालिटी अच्छी है, बट ये सेंटर टनल हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो सेंटर पैसेंजर को लेग स्पेस में थोड़ी परेशानी हो सकती है। सेफ्टी के लिहाज से इसमें आपको 9 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग, रेन सेंसिंग वाइपर्स, सीट बेल्ट विद प्री टेंशनर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक, स्पीड अलर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। स्कोडा कैरॉक काफ़ी फीचर रिच और वेल बिल्ट कार है, बट CVO होने की वजह से थोड़ी एक्सपेंसिव है इसके कंपटीटर से, और ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ऑडी Q3 या BMW X1 तक अपना बजट एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऑटोमोबाइल रिलेटेड न्यूज़ और रिव्यूज़ के लिए।